थर्मोडायनेमिक्स से चार दूनी वेडियो हैं और मां सारी की जो के वेडियो तो अंतर रेडिएशन 03 मच्छी मवाना रेडिएशन 04 03 तो मैं ब्लैक बॉडी बारे में अंतर के ब्लैक बॉडी चाहिए और बच्ची के रेडिएशन 04 तो कम मवाना किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन और मैं के दूनी टॉपिक भी एक इक्वेशन ही मैं प्रूफ करना एक इक्वेशन में से प्रूफ करना मारा दिमाग उसमें कोई इक्वेशन कोजा कर दें इक्वेशन ची ये चे क्वेश्चन लूट गए मैं जो कैबुली टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन ही मारा दिमाग कायम किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन ची उसी किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन उसी गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर नू तो ची उसे लूट गए किरचॉफ लॉ किरचॉफ ची उसे लूट गए उसी अगर एक बॉडी है आ सबके शरीर एब्जॉर्बर एक शरीर सर होती तो कुछ चीजें एब्जॉर्ब का पूरा शरीर एमिटर भी अब गोड एमिटर अगर मैं ये हीट अब देखना ये गर्म देखना पूरा शरीर से रेडिएशन में एमिट का अर्जुन शत्तर एब्जॉर्ब का अर्जुन शत्तर एमिट का किरचॉफ्स लॉ बस हमेशा उसी सिंपलिंग अपे देखे शे तो कुछ बड़ा चीज मानने बस ये भी सी कि अगर एक बॉडी है अति रेडिएशन के अंचो शर एब्जॉर्ब का पूरा एमिट करने के बॉडी के भी पूरा अंचो शर एमिट भी का गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर्स इधर रिफ्लेक्टर्स ना लेके था इधर एमिटर्स लेके था मशहूर वस्ती में बोले तो कुछ तो क्यों के रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्शन और इमिशन तो फर्क ही है मेरा क्वेश्चन के गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर्स मेरा दिमाग हमारा चीज आता स्टेटमेंट आता है कि क्वेश्चन के अगर बॉडी है ए ए मेकर ची एब्जॉर्प्टिव पावर है अगर आई है ज्यादा ही अगर एक बॉडी है एब्जॉर्प्टिव पावर हाई है पूरा आ बॉडी है एमिशन पावर हम ज्यादा भी मजा ना के यक बॉडी शरीर एब्जॉर्बर है कुरा शरीर एमिटर है बोगी पूरी ये दुनिया के दुनिया चुम बाइबल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बा अगर यक बॉडी एब्जॉर्बर पावर हाई है कुरा ये एमिसिव पावर हम आई भी को किरचॉफ्स लॉ में गप्पा जा गुड एब्जॉर्बर दैट गुड एमिटर इट मीन दैट ई ई में कची एमिसिव पावर है और ए में करती एब्जॉर्प्टिव पावर है ये दोनों एकदम अच्छी हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किरचॉफ्स लॉ हमें बता दें कि भाई शरीर एब्जॉर्बर शरीर एमिटर ना कुड़ा एमिसिव पावर अर्थने ज्यादा भी कुड़ा एब्जॉर्प्टिव पावर अर्थने ज्यादा भी एक बॉडी है तो कहे इमा मैथमेटिकली लिखता है एदा माल सीधा वर्डिंग के थ्रू लिखता का एदा मा चुंको मैथमेटिकली लिख के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ਨੂੰ ਈ ਲੈਂਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਏ ਲੈਂਡਾ ਇਹਦਾ ਲੈਂਡਾ ਮਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੈਂਡਾ ਮਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਫ ਅ ਬੋਡੀ ਐਬਜ਼ਰਬ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਲੈਂਡਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਅਸਤੇ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਬਜ਼ਰਬ ਕਾ ਲੈਂਡਾ ਲੈਂਡਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਸ ਮਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜੁਰ ਕਾ ਲੈਂਡਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕੁਛ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਦਰ ਬੋਡੀਜ਼ मतलब जैसे कि एक बॉडी आ लैम्डा रेडिएशन विद टू का एब्जॉर्ब का च बाकी बॉडी अंचे मिसाल के तौर पर मैं एक दा बॉडी दे रही अ बॉडी रेड लाइट ऐसा कुछ का एब्जॉर्ब का बाकी बॉडी अंचे ज्यादा एब्जॉर्ब का सा के एब्जॉर्ब का रेड लाइट एक किस्म रेडिएशन है शुद्ध को उतर तुका एब्जॉर्ब का एब्जॉर्ब का एंड इफ इट इज हीटेड देन इट इमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मोर देन अदर बॉडीज मेरे चेहरे लुट गए उसी अगर ये रेडिएशन रेड रेड रेडिएशन या फिर रेड लाइट होती तो का ज्यादा एब्जॉर्ब का अगर मैं इसे गर्म दे दिया पूरा ये रेड लाइट ज्यादा एमिट का बजे बाकी बॉडी अच्छे अदर बॉडी का अमा बॉडी के या होती या खासी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब का मगर ये गर्म दे दिया पूरा आ अमा रेडिएशन ज्यादा एमिट का मिसाल के तौर पर एक मतलब देख बड़ी दूरी ये ब्लू लाइट होती तो का सके एब्जॉर्ब का तो का जस्ट का वो आगा आ मटेरियल में गर्म दे दिया पूरा आ ब्लू लाइट ज्यादा इमिट का गर्म देगा ची जिस तक है आ एब्जॉर्ब ज्यादा का आमा वेवलेंथ तक ज्यादा एब्जॉर्ब का मागा मटेरियल गर्म दे दिया गुड़ा आ आमा वेवलेंथ तक ज्यादा इमिट का निमा जाना के ब्लैक बॉडी चाहिए ब्लैक बॉडी दो से रेडिएशन होती तो एब्जॉर्ब का तो देगा बोल देगा जिसमें चाहिए और चोरी रेडिएशन भी और चुअल रेडिएशन भी ब्लैक बॉडी होती तो का एब्जॉर्ब का गोड़ा मादा ब्लैक बॉडी या हीट बेकना गोड़ा ब्लैक बॉडी दुर्सी ना एमिट का मसमर सारी वाला क्वेश्चन के अमर रेडिएशन के ज्यादा ही एब्जॉर्ब का और अमर रेडिएशन ज्यादा ही एमिट का
फिर ये ब्लैक ब्लैक बॉडी जो कहते हैं अदृश्य रेडिएशन होती तो का एब्जॉर्ब का थोड़ा मागा ये गर्म दे दिया थोड़ा अदृश्य रेडिएशन एमिट का ऑल रेडिएशन अर्थोरिक वेवलेंथ रेडिएशन असता अदृश्य एमिट का बाकी बॉडी अच्छे बाकी देखो बॉडी अच्छे सो इसका क्या शक्ति है एब्जॉर्बर यार गुड एब्जॉर्बर ही ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर ही थोड़ा अ गुड एमिटर भी जिसका के ई दुनिया की दुनिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्लैक बॉडी अर्थोरिक रेडिएशन में तुझका एब्जॉर्ब का गर्म देगा ची अर्थोनी रेडिएशन एमिट का ऑल रेडिएशन और अगर ना एक बॉडी बुजुर्ग ग्रेट बॉडी बुजुर्ग आता ना रेड लाइट होती तुका सक एब्जॉर्ब का बाकी ज्यादा ना कहा और मादा ये गर्म भी दी और आता ना रेड रेडिएशन ना होती तुका ज्यादा एमिट का किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन हमें गप्पा जा तो ज्यादा ही मैथमेटिक्स ज्यादा शिंचनिस्ते बस ये गप्पा बजाने कि अगर एक बॉडी है हमारे रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब का और हमारे रेडी अगर हम ये गंदे आ ज्यादा रेडिएशन या लगा पर हम वेवलेंथ है कि हमारे ये ज्यादा एब्जॉर्ब करना गए माती मारवा दिमाग हमारा क्वेश्चन प्रूफ करने गया मैं चौंक ना मैं एक बॉक्स ही जुड़ा या फिर एनक्लोजर ही जुड़ा मैं आई तो मैं दो बॉडी रखना एक बॉक्स से मिसाल के तौर पर एक बंदे डब्बाई मैं तो बॉडी जो तो दो बॉडी आइए एरिया मतलब डायमेंशन सेम लेंथ एरिया सेम डायमेंशन सेम है दोनों नहीं इसे मोक्षिन बी वन मतलब बॉडी वन और ए में करें ब्लैक बॉडी है बी बी लिखते ब्लैक बॉडी दो बॉडिया या कि बी वन या कि बी टू और बॉक्स है तो क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आता टेम्परेचर में चेंज करने का नया बॉक्स है तो क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और आइए सर मैं रेडिएशन जन गए क्यू दोनों ने सर इसे सराम रेडिएशन क्यू आ गए इसे सराम रेडिएशन क्यू लग गए मैं दोनों से रेडिएशन क्यू जन गया फॉर गिवन वेवलेंथ मतलब मैं वेवलेंथ सर देगा मैं खासी वेवलेंथ तो करता मैं वेवलेंथ सर देगा नहीं वेवलेंथ चार अच्छी बुतका मैं वेवलेंथ जो क्यू रेडिएशन एक मैं यह बॉडी वन और ब्लैक बॉडी और बी वन सर मैं जन गया मैं ऐसा कम दूर अंदर हाँ कम टाइम अच्छी बात फॉर अ टाइम थी मैं इसमें बॉक्स तो कहीं करना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट करना या खास वेवलेंथ जो ना रेडिएशन है और ये बॉडी सर तू करना जाना करना हेट कनेक्शन सर कम दो दिन बाद मैं कहा मैं माता ना कि ई बॉडी है जो कि बी वन है इसे इनमें से पावर ऑप्शन ए वन और इसे एब्जॉर्प्टर पावर दे लो एब्जॉर्प्टर पावर ऑप्शन ए वन और इनमें से पावर ऑप्शन ई वन ये ए वन है ये ई वन ये कौन जानेगा ई बी वन बॉडी है का बी वन बॉडी ब्लैक बॉडी है मां सारी वस्तु के ब्लैक बॉडी है जो कि एमएस जो कि एब्जॉर्प्टर पावर या वन है बराबर है जिसका ये सर मार्थ ने रेडिएशन भेजना अदृश्य ने एब्जॉर्ब का एब्जॉर्ब्ड ए मेकर बराबर है एब्जॉर्ब रेडिएशन ओ इंसिडेंट रेडिएशन के मामले सर जाना कहेंगे रेडिएशन नीचे इशू रेली अर्थ तो सेम भी पुराण चुकता वन कहते ब्लैक बॉडी वास्ता एब्जॉर्ब्ड पावर वैल्यू अर्थता वन ही ओ ब्लैक बॉडी में आधा टेम्परेचर जो कि टेम्परेचर मुताबिक का मचा रहा क्या ये एमएस से पावर चेक कर गई मैं एमएस से पावर मैं टेम्परेचर वैल्यू होना था ना मोक्षा इसे एमएस से पावर ई बी ए ब्लैक बॉडी है एमएस से पावर ई बी ए आई ए जो कि एब्जॉर्प्टिव पावर आगे नहीं बराबर है और बॉडी वन ए वन ही जो कि एब्जॉर्प्टिव पावर है और एमएस से पावर आई है ई वन ही मारे बच्चे ऐसा मैं बनाने तक के भाई ये चीज ये बड़ा मतलब तीमा रहा एज वी रीड प्रीवियसली मेरे का पता आपका ना क्या माँ के सारी की उत्ती वैरी है ना तो का लगती चीज बन तगा शुमारा आ वैरी चार की हो जाएगी शुमारा आ वैरी मचार है दबे शुमेत समझा नहीं थे मैं ये चीज प्रीवियसली बनता के हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर मल्टीप्लाई बाय हीट इंसिडेंट मतलब इसे के माय बॉडी के जो आई सर हीट इंसिडेंट को ये सर हीट के जा वो हीट आई एब्जॉर्ब को वो एब्जॉर्प्टिव पावर आई ए कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर रेशियो भी ये दोनों नहीं एब्जॉर्प्टिव पावर वो अमा के मैं इंसिडेंट रहे हैं कि मैं इसे सर जाना गया ये दोनों भी रेशियो भी वो ये इसे रख के कहते हैं ये जो के इंसिडेंट रहे कुछ नहीं इसे रख के मारा चीरे सी मारा एब्जॉर्प्टिव पावर वाली रसी मुझे देखिए सी ईट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू ए ईट इंसिडेंट ई मेकर ए मेकर ची ई मेकर एब्जॉर्ब्ड पावर है ई से बराबर है ई में सारी वंतगा होती इक्वेशन सारी की वेरिएंट को मैं इससे बारे शरीर से वंतगा अगर शुमा सारी में ना चाहते हैं उसमें समझना है ते और मैं ई चीज हम वंतगा के ईट एमिटेड इज इक्वल टू ई ए टी मेकर ए ची मेकर ए एरिया
ऑब्जेक्ट है ई मेकर ची एम एस पावर टी मेकर टाइम कि मच का टाइम वस चार गए मैं ची सारी वंतवा पावर ऑब्जेक्ट पावर सारा हमारे चीज सबसे डिटेलिंग चीज चुनिया ही अटकगा ये टेमेटर चुनिया होता है वही ऑब्जेक्ट चुनिया ही वेली अटकगा वही चीज हम सारी बनतगा एट द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट देन हीट ऑब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट एमिटेड मतलब इसे के या जो कि बॉडी कहते हैं अर्थ टेम्परेचर से रेडिएशन एमिट करने का भले अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट भी गुणा ये ऑब्जॉर्ब्ड अमा के हीट ऑब्जॉर्ब का गुणा अमा का हीट एमिट का अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट भी या बॉडी अमेकत के रेडिएशन होते तो ऑब्जॉर्ब करने का गुणा अमेकत रेडिएशन एमिट करने का दोनों की वैल्यू सेम भी अमा टिंबा का टेम्परेचर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट भी रेडिएशन के मा ये सर जाना गया ए मेकर ऑब्जेक्ट पावर बॉडी बने और ई मेकर चे इवन ईएमएस पावर बने वैल्यू आ ए मेकर एरिया इन बॉडी और टी मा टाइम टेंपरेचर वास मा चारते का चिक्का टाइम वास मा चार गया नहीं मा टी टाइम वास पेशे सर ऑब्जेक्ट को मेकर ई वैल्यू बात मा जाना के दुनिया वैल्यू सेम बीच से के टेंपरेचर कॉन्स्टेंट है मैं तो नहीं मैं ई दा ए बच्चे में ई ए दा मल्टीप्लाइड हुआ है असर कहते डिवाइड भी तो ए टी जो के मल्टीप्लाई हुआ है क्वेश्चन आंसर का है डिवाइड बा तुम्हारे बच्चे रे सी ई1 डिवाइड बाय ए1 इज इक्वल टू के डिवाइड बाय ए टी ई1 डिवाइड बाय ए1 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए टी ई मेकर ची इक्वेशन 1 है माशिया इक्वेशन 1 को सकाया मैं कह दूंगी कि इक्वेशन कहते हैं अक्षर ए क्यू इज इक्वल टू ई बी ए टी ई बी मेकर चाहिए बराबर है ई बी मेकर बराबर है ब्लैक बोर्ड या एमएस पावर है और ए मेकर चाहिए ए मेकर ब्लैक बोर्ड या ऑब्जेक्ट पावर है ई वन है बराबर चुनी जा एदा ए वन है बराबर है वन नुमा वैसे तो वन ब्लैक का और ये ए टी सर के डिवाइड बुए उसे मल्टीप्लाई बना से डिवाइड बां मारा चीरे सी मारा वा ई बी ए ई बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए टी कहते हैं ये सर मल्टीप्लाई बुए आंसर कहते हैं डिवाइड बी हमारे तो इक्वेशन टू में शेष हुआ मैं इक्वेशन टू दूर है शेरा ई बी मतलब ई बी ए वैल्यू बराबर क्यू ए टी मैं चाह रहा हूँ कि ई जो कह रही है कि वैल्यू है ना क्यू डिवाइड बाय ए टी ई इससे बराबर है ई इसी की बराबर है ई दोनों की वैल्यू चुनी सेम है मुन्ना को लिख कितनी ई ई वन डिवाइड बाय ए वन इज इक्वल टू ई बी शेयर लिख के ता ई वन डिवाइड बाय ए वन इज इक्वल टू द ई बी बिना द वन को ता ई बी ए बराबर है न्यू ई ची है न्यू ई इस तरह कुछ गए के अर्चुअली के मैं बॉडी बुजुर्ग हूँ आई ए डायमेंशन आई डी डायमेंशन एक ब्लैक बॉडी डायमेंशन का दबे बां मसाल के तौर पर ब्लैक बॉडी डायमेंशन का दबे बां अच्छा उसी एरिया लेंथ सेम दबे बां और आई मैं एमएस पावर है बेकशा और ऑब्जेक्ट पावर है बेकशा आ दोनों में रेशो बुजुर्ग हूँ जैसे कि ई दोनों में रेशो बुजुर्ग हूँ और आ बराबर भी इसी के एमएस पावर है ब्लैक बॉडी एमएस पावर बराबर भी अमा टीम का दोनों नहीं डायमेंशन डायमेंशन सेम बेबा एरिया या फिर लेंथ सेम बेबा बुरा ही इसकी बराबर भी मां इधर चुकन गया मां इधर ब्लैक बॉडी ऐसा एक एग्जांपल बन गया मैं ब्लैक बॉडी बारे अच्छी जाना मैं कर दोस्त से ग्राफ आस्ता मैं कर दोस्त से फार्मूला आस्ता
మా బ్లాక్ బాడీ బారే శరీర సరజానా నువ్వు బ్లాక్ బాడీ దరియాచి మా డిగెక్ బాడీ ఎంఎస్ పవర్ ఆకాశత్ కనా యా పర్ అబ్జర్వ్డ్ పవర్ ఆకాశత్ కనా ఈ మెటర్చి ఇసికి వెలియో కష సక్క ఆసాని బలే శాని వెలియో కష క్రాని మబలే ఈ ఈక్వేషన్ దరియాచి మైసే తిగు వెలియో కషత్ కనా బ్లాక్ బాడీ యా కిస్మే నమూనే మేకరా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మైసే దరియాచి దగ బాడీని ఎంఎస్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ పవర్ ఆకాశత్ కనా जैसे कि क्वेश्चन है मैं लैम्डा लिख देगा ई लैम्डा डिवाइड बाय ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा ए बी ई लैम्डा बी लिखता बी मतलब ब्लैक बॉडी है के मतलब ई क्वेश्चन तेरे से मां आसानी होगो मां या बॉडी है एमएस पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर का शक करना जैसे कि इसी की वैल्यू का शक आसानी बोले ई दुनिया की वैल्यू का शक ग्रान है ई दुनिया की वैल्यू का शक ग्रान है जो ई क्वेश्चन तेरे से मां दुनिया की वैल्यू का शक करना मैं बस आसानी भी मैं इक्वेशन दिमाग इस्तेमाल हम करना मैं शेयर चित्र नोट करने बेचारे इक्वेशन मारे दिमाग सक करता मैं अच्छी वेरियम तो कुत्ते दिमाग वेरियम आ रेडिएशन 0.5 मार्क है वाना ब्लैक बॉडी रेडिएशन और वेंस डिस्प्लेसमेंट लो ऐसे को मैं वाना के ब्लैक बॉडी रेडिएशन ची ब्लैक बॉडी चुने रेडिएशन है मैट का रेडिएशन अच्छी मत में फायदा चेस कुत करना और वेंस डिस्प्लेसमेंट लो चाहिए आई जरिए अच्छी मत चेचे कुत करना ये इक्वेशन सी मत ये होगा ना उतनी देर में वरीयत को चारा